दोस्तों, हम सभी जानते हैं सफलता आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे बहुत मेहनत और संघर्ष छुपा होता है। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे संघर्ष ही हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जैनंद कुमार पर। संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह हमारे करियर में हो, पढ़ाई में हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में। संघर्ष हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है और उन्हें पार करके निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ध्यान दीजिए, सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके संघर्ष ने ही उन्हें मानवता की ऊंचाइयों तक पहुँचाया। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, पर संघर्ष के बिना सफलता का स्वाद भी फीका होता है। संघर्ष का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें मजबूत बनाता है, यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना है। नंबर एक, समस्या समाधान। संघर्ष के दौरान हमें नए तरीकों और तकनीकों को सिखाते हैं जो हमें समस्या समाधान में मदद करते हैं। आत्मनिर्भरता। संघर्ष हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम खुद समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। नंबर तीन, धैर्य। संघर्ष हमें धैर्य रखना सिखाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि समय के साथ ही परिणाम मिलते हैं। नंबर चार, अनुभव। संघर्ष हमें वास्तविक जीवन में अनुभव प्रदान करता है जो हमें भविष्य में मदद करते हैं। अब आपको को बताते हैं कि संघर्ष से सामना कैसे करें। संघर्ष से सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं होता। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल में संबल प्रदान करती है। इससे हम कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। नंबर दो, लक्ष्य। लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारण करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, इससे हमारा संघर्ष संगठित हो जाता है। नंबर तीन, सही मार्गदर्शन। संघर्ष के दौरान सही मार्गदर्शन और सलाहकार का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। नंबर चार, धैर्य और समर्पण। संघर्ष के दौरान धैर्य और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। आइए अब हम कुछ महान लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। नंबर एक, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनके संघर्ष ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। नंबर दो, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय संविधान का निर्माण किया। नंबर तीन, रतन टाटा। रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके संघर्ष और दूरदृष्टि ने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई। दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, कभी भी संघर्ष से घबराइए नहीं, हर मुश्किल के बाद नया सवेरा होता है। अपनी मेहनत और संघर्ष से प्राप्त भी आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सीख और प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब